हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय जिनेन्द्र, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में, जहां पर हम बातचीत करेंगे कमोडिटी मार्केट की। कमोडिटी मार्केट की बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले हमने कल क्या रणनीतियां बनाई थी, कल कहां कोई एग्जीक्यूशन हुआ, उसका एक ओवरव्यू कर लें, फिर आगे की बात करते हैं। कल क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर लेवल्स दिए थे, जो लेवल्स शेयर किए गए थे वो लेवल्स में भी आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं अगर कोई कॉल जनरेट कर रहा हूँ तभी कोई काम करना है। वैसे काफ़ी लोग मेरे दिए हुए लेवल्स जो मैं सुबह सुबह शेयर कर लेता हूँ पूरे दिन की रेंज, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, उस पर भी काम करके बहुत मुनाफा बना रहे हैं। दूसरा, मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं थी और ना ही मैंने किसी चीज़ को परफॉर्मेंस शीट में लिया है। कल एक USD INR को सेल करने कहा था 76.60 रुपये के आसपास, 76.40 रुपये के आसपास, 76.65 रुपये का स्टॉप लॉस, 25 पैसे का स्टॉप लॉस मेंटेन करना था। और टारगेट अपन एक्सपेक्ट कर रहे थे, टारगेट तो खैर बात ही नहीं करते टारगेट की, स्टॉप लॉस हिट हो गया है। ऑलमोस्ट एक लॉट पे आप लोगों को 250 रुपये का नुकसान हुआ होगा। और पांच लॉट मैंने, जैसे 800,000 रुपये के फंड पे मैंने सिर्फ 5 लॉट का रिकमेंडेशन दिया था। मैं एलोकेशन भी बताता हूँ आप लोगों को, मनी मैनेजमेंट भी बताता हूँ आप लोगों को, तो मोटा मोटी 1,250 रुपये के आसपास मुनाफा लॉस हुआ होगा, तो विच इज़ वेरी निग्लिजिबल अगेंस्ट 8 लाख रुपीज़ कैपिटल। मैं इसकी परफॉर्मेंस शीट में एंट्री अपने इक्विटी में लेता हूँ क्योंकि वहाँ पर आप पैसा बहुत खाली पड़ा हुआ है। चलिए बात को आगे बढ़ाता हूँ कि अच्छा, एक दो चीज, तीन चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। कल मुझे किसी का फ़ोन आया था, मैं किसी का नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ऐसे शायद और भी काफ़ी लोग हों, तो मैंने सोचा इस पर एक डिस्कशन ले लिया जाए। किसी का फ़ोन आया, बोले 3500 रुपये के क्रूड वाय पड़े हुए हैं। कितने लॉट थे वो सब इरेलीवेंट है, मैं एक ही लॉट से आपका एग्जांपल लेता हूँ, उनके पास क्वांटिटी बहुत है। 3500 रुपये का क्रूड बाय करके रखा हुआ उन्होंने और मुझे कल पूछ रहे थे कि अब मैं क्या करूँ। बस मैं आप लोगों को एक सिंपल चीज़ बताता हूँ, अभी अप्रैल वायदा चल रहा है 1555 के, 1550 पकड़ लीजिए समझने के लिए, और इसका अगला जो वायदा है मई वायदा वो चल रहा है 2100 रुपये के आसपास, यानी मोटा मोटी 550 रुपये का गैप चल रहा है। अब आप मान लीजिए कि क्रूड 3 महीने से 6 महीना अगर यहाँ से नहीं बढ़ता है और ये जो डिफरेंस है ये 300-500 रुपये के बीच में अगर मेंटेन रखते हैं, रखा जाता है, 500 रुपये का डिफरेंस मेंटेन किया जाता है और 3 कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों को रोल ओवर करवाए जाते हैं, तो आप लोगों का 1555 का सपोज करके चलते हैं कि आज एक्सपायरी है, 1555 में आप लोगों को जो बाय है वो काटना पड़ेगा और अगला वायदा लेना पड़ेगा 2100 रुपये में। अगर आप रोल ओवर करते हैं पोजीशन को, करंट कॉन्ट्रैक्ट से नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में शिफ्ट करते हैं, तो 550 रुपये नुकसान हो जाता है आपका, यानी कि आपकी जो 3500 रुपये की कॉस्टिंग है वो 4000 रुपये की बन जाती है। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में फिर से आप लोग यही एक्सरसाइज वापस से रिपीट करते हैं तो आपकी कॉस्टिंग हो जाती है 4000 से 4500 रुपये। तीसरी बार भी ये करते हैं तो आपकी कॉस्टिंग हो जाती है 3500 रुपये से 5000 रुपये, 3500 से 4000 हुई, 4000 से 4500 हुई, 4500 से 500 रुपये और बढ़ गई, यानी 5000 रुपये की कॉस्टिंग हो गई। यानी कि करंट मार्केट प्राइस जो 1550 रुपये क्रूड का चल रहा है वो आप लोगों का जीरो वैल्यूएशन हो गया। तो अब आप खुद ही दिमाग लगाइए, ऐसे पोजिशनों में फंसना ज़्यादा बेहतर है या फिर एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना, वहाँ से एग्जिट कर जाना। दूसरी बात, कल किसी का YouTube में ही कमेंट आया था, 136 रुपये की NG बाय पड़ी हुई है और किसी का मैसेज भी आया था, दिल्ली के हैं, मेरे साथ WhatsApp पे भी कनेक्टेड हैं, दिल्ली के हैं। देखिए आप लोग WhatsApp में कनेक्टेड हैं मेरे से फिर भी आप लोग लॉस खा रहे हैं, जबकि मैं वहाँ पर स्पेसिफाई कर देता हूँ कि ये पोजिशन को होल्ड नहीं करना है, उसके बाद भी आप लोग अपना दिमाग लगाते हैं। और हाँ, WhatsApp में तो है ही है एक, वो दिल्ली के दूसरे बंदे हैं, एक और बंदा है जो YouTube में कनेक्टेड है, YouTube का फैमिली मेम्बर है, उसने मुझे मैसेज किया कि भाई 136 रुपये की बाय पड़ी है, आपने फंसा दिया। भैया एक बार वीडियो जाके देखिए आप लोग, 2-500 रुपये का लॉस में अगर पोजीशन कोई आप लोगों को क्लोज भी करनी पड़ रही है तो कर दो ना। मेरी परफॉर्मेंस शीट में तो लॉस नहीं दिख रहा है, इनफैक्ट बेहतरीन मुनाफा दिख रहा है परफॉर्मेंस शीट में, अभी तक 5-5.5% कैपिटल का इस लॉकडाउन पीरियड में ज़्यादा ही होगा, इनफैक्ट वहाँ पर कैपिटलाइज कर चुके हैं। तो पोजीशन में अटक के रहना ज़्यादा बेटर है या फिर एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना या फिर जो कहा गया वो एग्जीक्यूट कर देना, अपना दिमाग मत लगाओ बॉस। एक तीसरे एक फौजी भाई से मेरी बात हो रही थी, जम्मू कश्मीर में पोस्टेड है, वो कह रहे थे मैं क्यों कब तक किसी और के भरोसे में बैठ के अपना कामकाज करूंगा, मैं इससे अच्छा मैं खुद ही सीखना चाहता हूं। मैं आप लोगों सब लोगों से एक चीज़ पूछना चाहता हूं
क्या डॉक्टर का काम, डॉक्टर का काम होता है ऑपरेशन करना, क्या आप वो ऑपरेशन कर सकते हैं? इंजीनियर्स का काम होता है, आर्किटेक्ट लोगों का काम होता है डिज़ाइन डेवलप करना, बिल्डर का काम होता है बिल्डिंग बनाना, मजदूर का काम होता है बिल्डिंग बनाने में हेल्प करना, क्या आप ये सब कर सकते हैं? क्या आप अपनी खुद की बैंक, आपके पास अगर बहुत सारा पैसा है तो क्या खुद की बैंक खोल के उसको चला सकते हैं? बस वैसे उसी तरह से ये मार्केट का काम होता है। आप लोगों को जिस तरह से आप लोगों के घर में अगर कोई बीमार हो जाता है आप लोगों को स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास जाना होता है, उसी तरह ये मार्केट है और उसी तरह हम लोग हैं। पूरे ऑल ओवर इंडिया में 140-139 करोड़ की आबादी में सिर्फ 600 लोग सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं। तो उन लोगों की सर्विस लीजिए, मैं ये नहीं कहता कि मेरे से सर्विस लीजिए, मैं तो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ सब। यानी डिमांड वर्स पॉपुलेशन के अगेंस्ट में अगर नंबर ऑफ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट देखेंगे आप तो सिर्फ 600 प्लस, अप्रॉक्सीमेटली 600 प्लस हैं। तो ये 600 प्लस से सर्विसेज लीजिए ना आप, मैं ये नहीं कहता मेरे से लीजिए, मैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। और आप लोगों के फाइनेंशियल एडवाइज़र मिल जाएंगे आपको 600 लोगों में। लेकिन जिस तरह से डॉक्टर अपना काम, डॉक्टर का काम डॉक्टर कर सकता है, आर्किटेक्ट का काम आर्किटेक्ट कर सकता है, इंटीरियर डिज़ाइनर वाले का काम इंटीरियर डिज़ाइनर कर सकता है, उसी तरह से इस मार्केट का काम करने वाले भी स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं। हर काम आप लोग अपने हाथ से नहीं कर सकते हैं, वही बात हो जाएगी कि आप लोगों को ऑपरेशन थिएटर में बोल दिया गया कि अचानक से अपने फैमिली मेंबर का या फिर किसी एक्स वाई जेड पर्सन का ऑपरेशन कर दो, तो क्या आप कर पाओगे? भैया मैंने ऐसे बहुत, मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो दो दो पाँच पाँच साल तक टीवी मीडिया में अपीयर किए, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि उनको ये मार्केट छोड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि उनके पास परफेक्ट स्ट्रैटेजीज नहीं थी। जो लोग टीवी मीडिया में अपीयर करते हैं पाँच पाँच दस दस साल तक, उसके बाद वो टीवी मीडिया को तो छोड़ ही देते हैं, मार्केट से भी एग्जिट कर जाते हैं। तो जब वो लोगों ने अगर पाँच पाँच साल टीवी मीडिया में अपीयर किया है तो आप लोग, तो आपको लगता है कि वो लोग दो चार दिन, आठ दिन, पंद्रह दिन, एक साल सीख कर टीवी मीडिया में आ गए होंगे? बस उन्होंने उसके पीछे भी दस साल डाले होंगे सीखने के लिए। भरोसा करना सीखना पड़ेगा, एक्सपर्ट के एडवाइस को अडॉप्ट करना सीखना पड़ेगा। और मैं तो आप लोगों के सामने परफॉर्मेंस शीट आप लोगों के समक्ष रख ही रहा हूँ। चलिए खैर, बात को आगे बढ़ाता हूँ, बात करता हूँ क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर की। क्रूड अभी चल रहा है 1555, क्रूड का लो पोस्ट हुआ है 1535 का, हाई पोस्ट हुआ है 1573 का। क्रूड का सपोर्ट निकल के आ रहा है 1444 और दूसरा सपोर्ट निकल के आ रहा है 1400। तो हम ये मोटा माटी कह लें 1400-1450 के बीच में इसका रेजिस्टेंस आ रहा है, सीधे 100 रुपये नीचे सपोर्ट निकल के आ रहा है। रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 1605 रुपये, 1605, 1660 रुपये और 1730 रुपये। अब क्रूड में करना क्या है और क्रूड का ट्रेंड क्या है? क्रूड ओवरऑल डाउन ट्रेंड में दिखता है। क्रूड को 1600 से 1610 के आसपास अगर मिल जाए तो बेच सकते हैं। 1651 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, 1444 यानी 1 ऑल टाइम 4 का टारगेट और 1400 रुपये तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब ये कहना बहुत मुश्किल है कि आज ये रेट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि इसका सर्किट आप लोगों का जो है वो 1590 का है। तो हो सकता है सर्किट एक बार लगाए ऊपर मिले आप लोगों को, तो वहाँ पर माल बेचिए। मैं तो यही आशा करता हूँ कि ये एग्जीक्यूट हो, रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड मैच हो और अपनी परफॉर्मेंस शीट में एंट्री आए और प्रॉफिट हम लोग जनरेट कर पाएँ। दूसरा नेचुरल गैस अभी चल रही है 122 रुपये 70 पैसे, आज मार्केट क्लोज होने के बाद नेचुरल गैस का इन्वेंट्री डेटा 121 रुपये 10 पैसे का लो लगाया, 124 रुपये 10 पैसे का हाई पोस्ट किया है। इसके सपोर्ट नज़र आ रहे हैं 116 रुपये और 113 रुपये। रजिस्ट्रेंस नज़र आ रहे हैं 127 रुपये 20 पैसे, 128 रुपये 50 पैसे, 131 रुपये 30 पैसे, 127, 120, 128, 150, 130, 130 सपोर्ट, 116, 113। नेचुरल गैस में क्या करना है, ओवरऑल ट्रेंड डाउन है, क्रूड का भी ओवरऑल ट्रेंड डाउन है। नेचुरल गैस अगर आप लोगों को 127-128 के आसपास मिले तो 130-150 के स्टॉप लॉस है, 115 और जो मैंने आप लोगों को 116 रुपये और 113 रुपये तक सपोर्ट के लिए आप लोग इसको बन के रह सकते हैं। तीसरा बात करता हूँ गोल्ड की, गोल्ड अभी चल रहा है 46,665, 46,666। गोल्ड के रजिस्टेंस नज़र आ रहे हैं 47,600, सीधे यहाँ से 1000 रुपये ऊपर रजिस्टेंस है। सपोर्ट निकल के आ रहे हैं 46,325, 45,450 और 45,000। 45,000 से 47,600 तक की रेंज लग रही है गोल्ड। अगर आप लोगों को गोल्ड माइल्ड अभी तो बुलिश है, लेकिन इसमें एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन 47,600 के आसपास है। तो अब करना क्या है, 47,600-47,700 के आसपास मिले तो सेल करिए, 48,000 रुपये का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, टारगेट 46,500 और 45,000 रुपये तक के एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
ओवरऑल ट्रेंड अप है, लेकिन इस जोन से प्रॉफिट बुकिंग एक बार संभव है। बात करता हूँ सिल्वर की, सिल्वर अभी चल रही है 43,750 है, इसका हाई पोस्ट हुआ है 43,825 का, लो पोस्ट हुआ है 43,467 का, सपोर्ट निकल के आ रहे हैं 42,500, 41,500, रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं 43,950 और 45,000। सिल्वर अगर आप लोगों को 43,900, 44,000 के आसपास मिले तो 44,500 का स्टॉप लॉस से सेल कर सकते हैं, 42,600 और 41,500 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तीसरा कॉपर, कॉपर अभी चल रहा है 395.75, इसका हाई पोस्ट हुआ है 396.35 का, लो पोस्ट हुआ है 394.85 का, इसके सपोर्ट निकल के आ रहे हैं 390 और 385, रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं 397 और 402, 397 398 के आसपास मिले तो इसको सेल करिए, 400.10 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, टारगेट 390 रुपये के। चौथा, पांचवा, USD INR 76.88 चल रहा है अभी, 76.60, 76.40 का इसका सपोर्ट नज़र आ रहा है, रेजिस्टेंस 77.10। USD INR अगर आप लोगों को 77.10 के आसपास मिले तो एक बार सेल इनिशिएट करिए, 77.26 रुपये का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, टारगेट 76.60 रुपये, 76.60 और 76.40 तक के एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा तो सेल करके काम करेंगे USD INR में, और एक बार रिस्क लेते हैं, 15 पैसे की रिस्क है, 16 पैसे की कोई बड़ा भारी रिस्क नहीं होता, खर्चे भी कम लगते हैं और लॉस भी बहुत छोटा है, तो होता USD INR में। जिसकी भी कैपिटल 20,000, 30,000, 40,000 रुपये तक की है, जो कमोडिटी सेगमेंट में इस कैपिटल में न कोई चीज़ कैरी कर सकता है, वो USD INR में काम करें, लॉस प्रॉफिट बड़ा नहीं होगा तो लॉस भी बड़ा नहीं होगा। ओवरऑल मैं क्रूड की एक लॉट की एंट्री लूँगा क्योंकि क्रूड का मार्जिन ज़्यादा है, हालांकि मैंने अपने 1.5 लाख रुपये के पोर्टफोलियो को 3 लाख रुपये का बना लिया है, तो मैं दो लॉट की एंट्री कर सकता हूँ, लेकिन मार्जिन ज़्यादा होने की वजह से मैं एक लॉट की एंट्री कर रहा हूँ। नेचुरल गैस का एग्जीक्यूशन होता है तो मैं रेगुलर 2 लॉट की एंट्री करूँगा, क्योंकि मेरा 1.5 लाख रुपये से पोर्टफोलियो 3 लाख रुपये का हो गया, आप लोगों का 1.5 लाख रुपये का पोर्टफोलियो, तो आप एक लॉट में काम करिएगा। गोल्ड मिनी, सिल्वर मिनी की एक एक लॉट की एंट्री करूंगा, इसके भी मार्जिन बढ़ चुके हैं। कॉपर अगर अपनी रेंज में आता है तो कॉपर की कोई एंट्री नहीं लूंगा, कॉपर का ट्रेड रिकमेंडेशन सिर्फ आप लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस बताएं और सेल कर सकते हैं वो बताया, लेकिन यहाँ पर मेरा रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं होता, इसलिए मैं इसकी कोई एंट्री लेना पसंद नहीं करूंगा, USD INR की एंट्री लूंगा मैं। तो ओवरऑल ये थी हमारी कमोडिटीज़ की मॉर्निंग अपडेट, आशा करता हूँ आप लोगों को मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो धपाक से एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर करिएगा, ताकि वो भी मेरे द्वारा बताई हुई रणनीतियों को एग्जीक्यूट करके बना सके मुनाफा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे सोशल मीडिया की लिंक होती है, आप चाहें तो सब जगह हम लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही परफॉर्मेंस शीट का 24/7 एक्सेस होता है, जिसको आप हमेशा एक्सेस कर सकते हैं। गवर्नमेंट के एक्सपेंस या फिर गवर्नमेंट से हिसाब किताब मांगने के लिए भी आप लोगों को RTI लगानी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को 24 घंटा परफॉर्मेंस शीट की एक्सेस मिलती है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक अकाउंट ओपनिंग का लिंक होता है, आप चाहें तो क्लिक करके उसका अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं मेरी बताई हुई रणनीतियों को और बना सकते हैं मुनाफा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।